फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। मैं मोहम्मद रफीक आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, एलसीएम और एससीएम, यानी एससीएम एंड एलसीएम। इससे पहले की जो क्लास की थी मैंने, उसमें एससीएम और एलसीएम के बेसिक्स आपको बताए थे। आज आपको हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वो भी पेन फ्री। बस आप वीडियो में एंड तक यानी आखिरी तक बने रहे और एक एक स्टेप समझते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो क्वेश्चंस कराएंगे जिसको आप कोशिश करेंगे कि पेन फ्री करना है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक होता जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 4, 3, 4, 8 कर दे रहे हैं, 4, 8 और 9। पहला क्वेश्चन है 4, 8 और 9, इसका एससीएम भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। क्या करना है इसका? एससीएम और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करना है। देखिए, इससे पहले की जो मैंने क्लास की थी उसमें हमने आपको बताया था कि एससीएम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए सबका हम गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम क्या देखेंगे, कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में है। तो मैंने बताया था आपको कि 1 सब में रहता है, 1 जो है सबका कॉमन मल्टीपल है, लेकिन 1 को छोड़ करके हम अदर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं 4, 8, 9, आप खुद देखिए कौन सा ऐसा नंबर है 1 को छोड़ करके जो सब में है, नहीं है। यहाँ पे तो है 4, 4 इसमें भी है, 2, 2 भी, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले आप डायरेक्टली क्या करोगे, एससीएफ आप कितना लिखोगे, 1। क्या आ जाएगा एससीएफ, एससीएफ तो आ गया 1। अब एलसीएम चाहिए, मैंने एलसीएम में क्या कहा था कि जो सब में मैच करेगा उसको तो लिखेंगे, बाकी का जो बचेगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 2 जाएगा यहाँ पे भी है, तो 4 और 4 8 निकाल दिया, 4 2 जाएगा यहाँ पे 2 बच रहा है, 4 2 8, 8 9 72, कितना आ गया 72। और मैंने आपको उस वीडियो के जरिए ये भी बताया था कि एससीएफ हमेशा सबसे लोअर वाला नंबर जो होता है, यानी जो सबसे छोटा नंबर उसके बराबर या उससे कम आता है, और एलसीएम जो होता है जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके इक्वल या उससे भी एबव, यानी उससे ज्यादा जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एलसीएम निकलता है वो इन सब का जो है क्या होता है, टेबल यानी मल्टीपल होता है, गुणक होता है। इसी तरह एससीएफ भी जो होता है वो कॉमन मल्टीपल रहता है, लेकिन सबसे लोअर यानी सबसे छोटा रहता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इस बार है 1, 2, 3, इनका एससीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएफ भी, दोनों फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे तो आप खुद देख रहे हैं कि 1 1 1 1 2 2 1 3 3, सब में क्या कॉमन है 1, यानी एससीएफ क्या आ गया 1। एलसीएम पता करना है, 1 तो सब में ऑलरेडी है, 1 इसके बाद क्या है 2 और 3, तो 1 2 2 2 3 6, क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह से और चलते हैं, अगला नंबर आते हैं, अगला नंबर दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए है 3, 6 और 9। इस 3, 6 और 9 में आपको एससीएफ और एलसीएम दोनों पता करना है, एससीएफ भी पता करना है और एलसीएम भी। फटाफट आप देखिए खुद क्या है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, डायरेक्टली आप अगर देखेंगे ऑटोमेटिक आपका फोकस जाएगा कि 3 सब में है, तो एससीएफ कितना आ गया 3। अब क्या चाहिए, एलसीएम। मैंने क्या कहा कि एलसीएम या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है या तो उससे भी एबव। तो आप देखिए सब में कॉमन क्या, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ से बच क्या है 1, 2 बच रहा है, और यहाँ से 3, 2 3 6, 6 3 18, क्या आ जाएगा 18, ये एलसीएम आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 2, 2 के बाद 4, नेक्स्ट आए हैं 12, क्या है 2, 4 और 12। अब इसमें हमें एलसीएम और एससीएफ पता करना है, तो अब आप यहां से एससीएफ और एलसीएम पता करेंगे। आप डायरेक्टली देखिए क्या है सब में, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, यानी सब में क्या है 2, यानी एससीएफ तो आ गया 2, एससीएफ 2 आ गया। अब इसके बाद क्या है एलसीएम, देखिए यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, लेकिन यहां पे 2 के साथ में क्या है 3 भी है, तो आप देखेंगे क्या आएगा,
देखिए 2 6 12 4 3 12 डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि दोनों टेबल उसी में डाल, यानी डायरेक्टली क्या आ जाएगा एलसीएम 12 आ गया, क्या आ गया 12। एक तरीका आपको अब यहां से और भी मिल गया कि अगर हम देखेंगे क्या करेंगे, देखें इनको पढ़ें, यानी जितने नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, अगर हम तीनों को टेबल पढ़ें, क्या पढ़ें टेबल, अब तीनों की टेबल पढ़ने के बाद अगर उसमें सबसे हायर वाला नंबर आ रहा है तो डायरेक्ट वही क्या हो जाएगा एलसीएम। कैसे देखिएगा, 2 6 12 4 3 12 12 1 12 यानी यहाँ पे 12 आया, लेकिन यहाँ पे देखो 3 3 है, लेकिन यहाँ पे 6 2 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए देखो हम इससे के बाद बढ़े, इसलिए देखिए इसमें आया, यहाँ पे आते हैं 4 8 9, अब 4 2 8 इसमें आ, लेकिन इसमें टेबल नहीं आया इसलिए अलग हो गया। यहाँ पे आते हैं 1 2 3, अब यहाँ पे भी 1 3 3, लेकिन यहाँ पे 2 की टेबल नहीं आ रही, यानी अगर 3 नंबर दिए हो, 4 दिए हो, 6 दिए, जितने भी नंबर दिए, अगर हम सबकी टेबल पढ़े, सबकी टेबल जो है सबसे ग्रेटर वाले पे कॉमन जा रही है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर उसी को डायरेक्ट क्या लिखोगे एलसीएम। एलसीएम में क्या बताया मैंने कि एलसीएम कभी भी जो सबसे छोटा वाला नंबर है उससे ज्यादा नहीं होगा, एलसीएम हमेशा जो निकलेगा या तो सबसे जो छोटा नंबर है उसके बराबर निकलेगा, वरना उससे छोटा हमेशा निकलेगा, उससे ज्यादा कभी नहीं निकलेगा, लेकिन एलसीएम हमेशा क्या निकलेगा कि जो सबसे कम निकलेगा वो सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर निकलेगा, वरना उससे एबव ही निकलेगा। अब यानी कि जो एलसीएम है वो हमेशा क्या होगा इसके बराबर, यानी कि अगर हम नंबर ले लेंगे, जैसे मान लो हम यही ले रहे हैं 4 8 9, ये 3 नंबर लिए हैं, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा कि 4 के इक्वल होगा या फिर इससे लोअर होगा, लेकिन अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होगा कि 9 के इक्वल होगा या फिर 9 से हमेशा ग्रेटर होगा। यानी कि यहां से आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं, क्या देख रहे हैं आप कि जो एलसीएम निकलेगा वो हमेशा सबसे छोटे वाले नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, लेकिन एलसीएम जो होगा वो हमेशा सबसे बड़े वाले नंबर के बराबर या फिर उससे भी बड़ा, यानी उससे भी एबव होगा। ये एक ही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या करो दिमाग में बैठा लो, कभी भी आपका एलसीएम और एलसीएम गड़बड़ नहीं होगा। बाकी कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया है, जिसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप इन्हें करिएगा और इसके आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 2 3 7, इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों पता करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 3 8 और 15, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम आपको पता करना है। लास्ट क्वेश्चन है वो है 2 6 और 9, इसका भी आपको एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। आप निकालिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको अब एक एक करके 1 by 1 क्वेश्चंस कराएंगे, छोटी क्लासों से लेकर के और कॉम्पिटेटिव तक के सारे क्वेश्चन हम आपको एक एक करके कराएंगे। वीडियो आज की कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे ज्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, यानी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।